मैं डॉक्टर वाईडी मिश्रा हूं, नोडल ऑफिसर हूं, सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भारत सरकार की एक नई योजना लॉन्च हुई है ड्रोन दीदी नाम से, जो हमारी एसएचजी की महिलाएं किस तरह से ड्रोन को मैक्सिमम सब्सिडी पे, मुझे बताया गया है कि 75-90% तक सब्सिडी दी जा रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन एक ऐसी ही तकनीक है जिसमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। इस तकनीक से जरूरत के अनुसार फसल उर्वरकों की सटीक मात्रा एवं सही प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इससे सीधे सामग्री के उपयोग की दक्षता में वृद्धि होती है एवं किसान भी सुरक्षित रहते हैं, साथ ही खेती की कुल लागत भी कम होती है। इससे किसानों को बड़ा फायदा यह है कि वो स्प्रे के समय खाद और कीटनाशकों के मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। लेकिन इसका दाम बहुत ज्यादा है। इस समय 10 लीटर टैंक क्षमता के कृषि ड्रोन का दाम 6-10 लाख रुपये तक है। ऐसे में सरकार ने सब्सिडी देकर इस तकनीक को हर खेत तक पहुंचाने का प्लान बनाया है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल कीटनाशक और खाद के छिड़काव के साथ फसलों की बुआई के लिए एग्री ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शामिल होने से फसल की मॉनिटरिंग और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी किया जाता है। फसल कितनी होगी इसका भी सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। ड्रोन से हाईटेक होगी खेती। ड्रोन के इस्तेमाल से कैसे बदल सकती है खेती? जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। ऐसे में बड़ी आबादी को अन्न सुरक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि पारंपरिक खेती की बजाय आधुनिक और तकनीकी खेती का विस्तार हो। खेती की बढ़ती लागत और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसानों को खेती से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए की गई प्रिसिजन फार्मिंग देश के किसानों को बेहतर विकल्प दे सकती है। ड्रोन का इस्तेमाल कर किसान लागत में कमी और समय की बचत कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव करने से हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। छिड़काव से लेकर फसलों की मॉनिटरिंग की जा सकती है। ड्रोन इंडस्ट्री बड़ी होने के बावजूद भारत में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। पिछले 1-1.5 साल में ड्रोन की डिमांड में 15 गुना तक तेजी आई है। ड्रोन इंडस्ट्री अभी करीब 5,000 करोड़ की है। सरकार का अनुमान है कि यह 5 वर्षों में 15-20,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। सरकार इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार नियमों को आसान बना रही है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस सेक्टर में 3-4 साल के अंदर लगभग 10,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी रोजगार की संख्या बढ़ती जाएगी। ड्रोन का इस्तेमाल होता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल समेत कई देशों में खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है। इसके उन्हें कई फायदे भी मिल रहे हैं। वहीं ड्रोन बनाने वाली कई इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो एग्री ड्रोन में तेजी से इन्वेस्ट कर रही हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में एग्री ड्रोन की डिमांड में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैं बताना चाहूंगा, मैं डॉक्टर वाईडी मिश्रा हूं, नोडल ऑफिसर हूं, सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में नाबार्ड के सहयोग से स्थापित है। इसमें हमारी पूरी टीम है जो कृषकों को कृषि व्यवसाय वगैरह स्थापित करने में मदद करती है। हमारे नाबार्ड के सहयोग से हम लोगों ने कृषि ड्रोन खरीदा है, जिसका प्रयोग हम लोग किसानों के जो खेत हैं उनमें नैनो यूरिया का, हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स से, उनके स्प्रे के लिए करेंगे। हमारा अभी प्रारंभिक लक्ष्य है वो अगले 1-1.5 माह के अंतर्गत 1,000 किसानों के खेतों में हम इसका स्प्रे करवाएंगे। और इसमें हमारा मेन ये है, हमने करीब 500 किसानों का रजिस्ट्रेशन भी किया है इस मेले में, जो लोग चाहते हैं कि उनके खेत में ड्रोन के माध्यम से स्प्रे हो, तो वो मेले में रजिस्ट्रेशन हो गए। पहले उनको वरीयता दी जाएगी, उसके बाद में जो कृषक आएंगे हमारे सेंटर पे जो कृषि महाविद्यालय में संचालित है उसके द्वारा हम उनको सिखाएंगे भी। इसके अलावा हमारा प्लान ये भी है विश्वविद्यालय की तरफ से कि हम लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे कृषि में उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं, हमारे जो कृषक बंधु ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो वो कैसे संगठित होकर FPO के माध्यम से, SHG के माध्यम से ड्रोन को खरीद सकते हैं। भारत सरकार की एक नई योजना लॉन्च हुई है ड्रोन दीदी नाम से, जो महिलाओं के लिए है, तो हमारी SHG की महिलाएं किस तरह से ड्रोन को मैक्सिमम सब्सिडी पे, मुझे बताया गया है कि 75-90% तक सब्सिडी दी जा रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, ड्रोन खरीदने पे, कृषि ड्रोन के लिए। तो इस तरह से कैसे हमारे कृषक बंधु, कृषक महिलाएं
खुद अपना ड्रोन खरीद सकते हैं या हमारे केंद्र के माध्यम से ड्रोन का लाभ उठा सकते हैं, इसका हमारा प्रयास है। ये हमारे नवाड के सहयोग से एवं राजमाता विजया सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से ये ड्रोन आया है, जिसका किसानों को अवश्य ही लाभ मिलेगा। ऊंचाई तो एक एक्चुअली कैपेसिटी होती है इसकी कि भाई 50 मीटर ऊंचाई तक जाता है, इसकी 10 लीटर की कैपेसिटी है, इसमें 10 लीटर दवा या हम लिक्विड फर्टिलाइजर भर सकते हैं। लेकिन इसका मेन उद्देश्य उसको ज्यादा ऊंचाई से नहीं, क्योंकि स्प्रे तो हम थोड़ी ऊंचाई से ही जाके करें। ऊंचाई की कैपेसिटी मतलब अगर हमें बागवानी फसलों पे या फल के बगीचों पे या हमारे फल के पेड़ों पे स्प्रे करना है तो ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लगभग 50 मीटर ऊंचे तक फलों पे इससे स्प्रे कर सकते हैं। ये इसका है, डीजल है, ये ना तो पेट्रोल है, हाँ वो कितनी है लगभग 1 बीघा या 1 हेक्टेयर में कितना डीजल या पेट्रोल ये? एक्चुअली ये डीजल पेट्रोल का नहीं है, इसमें बैटरी संचालित है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी है, एक टाइम में 2 बैटरी लगती है। हमने जो खरीदा है उसमें हमने 4 सेट एक्स्ट्रा खरीदे हैं, तो हमारे 10-10 मिनट के वो है, तो लगभग 4 सेट में 40 मिनट तक हमारा एक बार ड्रोन एक बैटरी से 10 मिनट चलेगा, लेकिन वो स्प्रे करके आ जाएगा तुरंत, उसके बाद दूसरी बैटरी चेंज करेंगे। और 10 लीटर की कैपेसिटी है उसकी टैंक की, और 10 लीटर कैपेसिटी का ही पॉपुलर है, क्योंकि इससे ज्यादा फिर उसमें प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो 10 लीटर हमारा जो पेस्टिसाइड है, जो हमारा नैनो फर्टिलाइजर है या जो भी फर्टिलाइजर हम यूरिया वगैरह उसमें डालना चाहते हैं, 10 लीटर का टैंक है उसकी कैपेसिटी। कितना वेट, कितना इसका वेट बिना भरे हुए लगभग 14 किलो है, और भरने के बाद में लगभग 24 किलो वजन हो जाता है 10 लीटर भरने के बाद। एक आम किसान इस योजना का लाभ कैसे ले सकता है और कहां संपर्क करें? हमारे केंद्र पे हमारे सीईओ हैं और मैं स्वयं हूं डॉक्टर वाईडी मिश्रा। हमारे केंद्र पे कृषि महाविद्यालय जो केंद्र है उस पर सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उस पे आके हमारे कृषक बंधु ग्वालियर जिले के इसका लाभ ले सकते हैं। और अभी हमने करीब 500 किसानों, जैसे हमने बताया थोड़ी देर पहले कि 500 कृषकों का लगभग हमारी टीम ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो इच्छुक हैं कि ड्रोन से अपने खेत में जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का स्प्रे करवाएं, तो हमारे केंद्र पे आके कृषि महाविद्यालय ग्वालियर परिसर में संचालित है, उसमें आके इसका लाभ ले सकते हैं कृषक बंधु। धन्यवाद।